वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बांग्लादेश को बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद। बांग्लादेश ने पांचवा जो T20 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है वो जीत लिया है। मतलब एक जो मैच है बस वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, बाकी सारे के सारे मैचेस जो है बांग्लादेश ने जीत लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कैंगरूज जो हैं उनको ऐसी उनकी छतरोल की है, उनको मार के भगा दिया। और जो कि बहुत ज्यादा शान शौकत के साथ बांग्लादेश में आए थे कि हम जो है वी आर सो क्वालिफाइड, और हम बहुत ज्यादा खुद को उन्होंने समझा ही होगा यकीनन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अच्छी टीम है और क्वालिफाइड और अच्छा खेलने वाली। तो बांग्लादेश ने उनको धूल चिटा दी है और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम हार के वापस जा रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा खेला है बांग्लादेश की टीम ने। लाइक 122 का टारगेट दिया, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, इस नॉर्मल सा टारगेट था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उससे वो भी कहते हैं ना नहीं अचीव किया गया। 62 पे पूरी की पूरी टीम जो है ढेर हो गई, और बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने ऐसी बॉलिंग कराई और ऐसी बॉलिंग कराई कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बैटिंग के लिए खड़ी रह ही नहीं सकी, मतलब खड़े हो ही नहीं सके। वो बांग्लादेश के जो बॉल्स है ना उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, खेली नहीं गई सही से। तो 122 का टारगेट था, जो कि 62 पे पूरी की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की ढेर हो गई। और जी बांग्लादेश की टीम ने उनको ऐसा भगाया, कैंगरूज को छितर लगा के भगाया। ठीक है, सो ये जो कैंगरूज है इस काबिल ही नहीं है कि बांग्लादेश टाइगर्स के साथ जो है फाइट कर सके। और बांग्लादेशी या बांग्लादेशी बंगाल टाइगर्स का मुकाबला कैंगरूज के साथ नो वे। तो कैंगरूज जो है भाग चुके हैं और बहुत अच्छा खेला शकीब खान ने, 4 विकेट्स ली और अमेजिंग मैच, अमेजिंग इनिंग्स। और लेट्स सी के नेक्स्ट सीरीज में बांग्लादेश कैसा खेलता है। और बांग्लादेश के बारे में जो बातें की जा रही थी स्पेशली इंडिया की तरफ से वो काफी नेगेटिव थी। इंडिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि बांग्लादेश ये सीरीज जीत सकता है। पहले एक सीरीज जीती, फिर जिसके बाद इंडिया में काफी बातें की गई कि बांग्लादेश नहीं जीत सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश जीते, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा एंड ब्ला ब्ला, और काफी नेगेटिव जो है ना कन्वर्सेशन जो सामने आई। तो अब जो है बांग्लादेश की जो जीत है उसका जश्न देख के जरूर इंडिया को होल पड़ रहे होंगे, उनके पेट में दर्द हो रहा होगा कि जो हम बातें कर रहे थे वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश की टीम जीत गई है। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि बांग्लादेश की टीम ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और अपनी बॉलिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, और बैटिंग भी बहुत अच्छी की है बांग्लादेश की टीम ने। लाइक सही टारगेट दिया, मतलब इससे पहले भी जो इतने भले टारगेट्स नहीं थे, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को वो अचीव ही नहीं करने दी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों ही चीजों में बांग्लादेश की टीम वेल एंड सो गुड। और अब जो है नेक्स्ट जो भी सीरीज होने वाली है उसमें जो अब कीवीज के साथ है बेसिकली, ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसा खेलती है बांग्लादेश की टीम कीवीज के साथ। ये कैंगरूज को तो भगा दिया, अब कीवीज की बारी है, कीवीज की शामत आएगी। और ठीक है, आई एम सो हैप्पी, सो बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद बांग्लादेश टीम को मेरी तरफ से। और बांग्लादेश के लोग जो 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 जहां जहां से देख रहे हैं मुझे, ठीक है, बांग्लादेश से बाहर से बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना, सब मैं टेस्ट आई एम सेइंग ओके, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और आई एम श्योर कि अभी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन चल रही होंगी और लोग बहुत 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 ज्यादा कहते हैं ना खुश होंगे, क्योंकि ये जो है ना क्रिकेट का जो एक मौका होता है वो एक बहुत स्पेशल होता है। लाइक जब आपकी टीम पूरी मतलब इनिंग्स जीत जाती है, सीरीज जीत जाती है, मतलब तो वो तो खुशी जो है ना वो तो बयान नहीं की जा सकती। और वो भी ऐसी जीत जो कि 4 जो है अगर मैचेस जीत लिए हैं, एक जो मैच था बस वो नहीं जीता, सो खुशी तो मनानी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। सो अमेजिंग 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 मैच, और बहुत अच्छा गेम देखने को मिला। और आई विश
के आगे भी जो जितने भी गेम्स हों मैचेस हों बांग्लादेश के अदर कंट्रीज के साथ उनमें बांग्लादेश ऐसे परफॉर्म करे अच्छा अच्छा सा और क्या कहते हैं विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा कंग्रेस बधाइयां मेरी तरफ से बांग्लादेश को। वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगी, मैं आपसे मिलूंगी कुछ देर के बाद। आई विल सी यू।